हेलो, आपका स्वागत है भारत के स्वतंत्रता सप्ताह में माई मणिकर्मा, जहां हम इंटेलिजेंट फाइनेंस के लिए आपका एक ही जगह पर ध्यान केंद्रित करते हैं और वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी कि आर्थिक आजादी। ये सप्ताह हम सभी भारतीयों के लिए गौरवमय है, जहां हमारे खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को कई मेडल प्रदान किए। हालांकि अभी ये केवल शुरुआत है। इस वीडियो में आइए हम आपको बताते हैं कि ओलंपिक से जुड़ी 5 सीख जो हमें आर्थिक रूप से आजाद होने की कला सिखाती है। आप जानकर हैरान होंगे कि ये आपस में किस तरह से जुड़ी हैं। हालांकि इससे पहले हमारे चैनल माई मणिकर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको समझदारी से फाइनेंस करने से जुड़े टिप्स समय पर मिलते रहें। सुनिश्चित करें कि ये वीडियो आप अंत तक देखें, जहां आपको अंत में हम बताएंगे 6th सीख, जिसे आप आज ही इस्तेमाल में ला सकते हैं। देश की बड़ी आबादी में से केवल कुछ सिल्वर और एक गोल्ड मेडल हमने हासिल किया। ये खिलाड़ी 24 वर्ष तक की युवा उम्र के हैं, यानी कि हम हजारों ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी भविष्य में तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये मानना होगा कि हम नीरज चोपड़ा के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद 66वें रैंक से 47वें रैंक पर पहुंचे, जहां हम वेनेजुएला, हांगकांग और रोमानिया जैसे देशों के मुकाबले में खड़े हो, जहां की कुल आबादी हमारे देश की 5% ही है। ऐसे में हम यहां से क्या सीख सकते हैं? पहली सीख, एक विजन रखें। पूर्व सोवियत यूनियन, चाइना और यूएस ने ओलंपिक को खेल से ज्यादा राष्ट्रीय गौरव का महत्व दिया है। ये उनके लिए जीत से ज्यादा है। क्या आपके लिए फाइनेंशियल प्लान सिर्फ पैसा कमाने से ज्यादा है? हम में से ज्यादातर लोगों के लिए दौलत के लिए अस्पष्ट लेकिन एक ही जैसा विजन होता है, जिसमें अपने परिवार की जरूरतें पूरी करना, कुछ बड़ा करना और ज्यादा जल्दी रिटायर होना इत्यादि शामिल होता है। मगर आपके उठाए गए सही कदम इससे बदल कर इसमें स्पष्टता ला सकते हैं, जो आपको फाइनेंस के मामले में आपके ध्यान को सुपरवाइज और परफॉर्मेंस की ओर बेहतर बनाएंगे। दूसरी सीख, अपना एक प्रोजेक्ट तैयार करें। प्रोजेक्ट 119 ये चाइना का लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था, जिसे ओलंपिक मेडल लाने के लिए वर्ष 2008 में तैयार किया। इसके तहत चीन ने कुछ खेलों को चुना, उसके तहत स्ट्रेटजी बनाई, स्ट्रेटजी को पहचाना और उसे निरंतर एग्जीक्यूट किया। इसका नतीजा ये रहा कि चीन ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल अपने नाम किए। आपका एक्शन आपके पोर्टफोलियो के आने वाले 8-10 सालों को निर्धारित करने चाहिए। इसके तहत एक या दो स्किल या स्टेट्स पर ध्यान केंद्रित करो, इसके बारे में जाने और साथ ही इसके तहत खुद को बेहतर बनाएं और इसी पर ध्यान दें कुछ देर के लिए। शॉर्ट टर्म रिटर्न को भूल जाएं। तीसरी सीख, अपनी नींव को मजबूत बनाएं। भारत की सामाजिक आर्थिक हालत इस तरह है कि बहुत कम लोग ही खेल से जुड़ पाते हैं। इसमें से बेहद कम खिलाड़ी ही वर्ल्ड क्लास एथलीट बनने के लिए सही न्यूट्रिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी कोचिंग ले पाते हैं। हालांकि हमारे पास बड़ी संख्या में युवा टैलेंट है जिसे हम बर्बाद कर रहे हैं। इसी तरह अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के साथ भी हम यही करते हैं, जहां कम जानकारी, अनुभव और एक्सपोजर की कमी होने से हम स्थिति को बेहतर नहीं कर पाते। आपके पोर्टफोलियो में आपके एक्शन बेहद सीमित मात्रा में इनकम, मुनाफा और दौलत को बढ़ाते हैं। ऐसे में पहले अपनी नींव को मजबूत करें। इसमें आप न केवल भविष्य में रिस्क को कम करेंगे, बल्कि कमाने के कई ऐसे रास्ते भी खोलेंगे जिसे बेहद कम लोग ही पहचान पाते हैं। चौथी सीख, एक ही प्रतिभा को निखारे। ऑस्ट्रेलिया स्विमिंग में बेहतर है। ईस्ट अफ्रीका देशों ने दौड़ में नाम कमाया, जमैका ने स्प्रिंट में पकड़ बनाई। अब ये देश आगे चलकर अन्य स्पोर्ट्स में भी पकड़ बना सकते हैं। ऐसे में अपनी एक खास प्रतिभा को तलाशें जिसे आप निखार सके। फाइनेंस को जीतने को आदत बनाएं, चाहे वो हाउसिंग के क्षेत्र में हो, टेक स्टॉक्स हो, क्रिप्टो या कोई भी क्षेत्र हो, उस पर पकड़ बनाएं और अपनी जीत सुनिश्चित करें। पांचवी सी, तैयारी करना। अमेरिका में ऐसा यूनिवर्सिटी सिस्टम है जहां हाई लेवल स्पोर्ट्स को तरजीह दी जाती है। साउथ अफ्रीका, जमैका, कीनिया जैसे देशों के विजेता ओलंपियन इन्हीं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। जैसे भारत को भी ऐसी ही यूनिवर्सिटी सिस्टम खेलों में चाहिए, वैसे ही आपके पोर्टफोलियो के लिए ऐसी ही तैयारी करने वाला सिस्टम डेवलप करना होगा। इसका अर्थ है कि आप एक बेहतर संभावनाओं से भरे
एसेट की पहचान करें जो शायद जल्द रिटर्न न देता हो, इसे भविष्य में बेहतर बनाते हुए तैयार करें। ये वक्त लेगा, इससे बेस्ट निकालना आपका काम है, न कि इसका छोटा सा इस्तेमाल करके इसे बेकार करने का। ज्यादातर तैयार किए गए खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल नहीं लाते, पर हर गोल्ड मेडल लाने वाला खिलाड़ी पूरी निष्ठा से तैयार किया जाता है। ऐसे में पर्सनल फाइनेंस की कामयाबी को लेकर अपनी सोच को बदलें। तो अब तक आप इन 5 सीख को जान गए हैं जो ओलंपिक और फाइनेंस दोनों से जुड़ी है। तो क्या आप भी पेरिस 2026 में होने वाले ओलंपिक तक अपने पर्सनल फाइनेंस में गोल्ड मेडल लाने को तैयार हैं? हम आपको अभी से इसके लिए तैयार करेंगे अपनी 6 सीख के साथ, जो आप आज ही अपना सकते हैं। एक्सपर्ट कोच की मदद लें, कोई ऐसा जो खेल से जुड़ी हुई बारीक और जरूरी चीज जानता हो, जो मौके और गलतियों को पहचानना जानता हो, जो आपको इन सब के बारे में अच्छे से समझा पाए और तैयार कर सके। माई मणिकर्मा आपको पर्सनल फाइनेंस के लिए इसी तरह से तैयार करता है। हम आपको आपके क्रेडिट स्कोर की डिटेल एनालिसिस के अलावा लोन लेने के दौरान आपकी बचत और आपके फाइनेंशियल प्लान को एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं। साथ ही आपको आर्थिक रूप से हम ऐसी आदतों और जानकारियों से जोड़ते हैं जो आपको यकीनन गोल्ड मेडल हासिल करने में मदद करेगा। आज ही mymanikarma.com पर आएं और हमारे लोन स्पेशलिस्ट से बात करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें और भारत को गोल्ड मेडल दिलाने के लिए मजबूत नींव रखें। जय हिंद।